दोस्तों जल्दी ही अब हमें ब्रोक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब WWE के अंदर ब्रोक लेसनर के रिटर्न को लेके काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसी के बारे में आज की वीडियो हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, बिना टाइम करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ब्रोक लेसनर के ऊपर एलिगेशन लग गए थे, जिसके बाद ब्रोक लेसनर के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा घट चुके थे। सभी को यही लगा था कि अब तो ब्रोक लेसनर का रिटर्न हमें कभी WWE के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। WWE ने ब्रोक लेसनर को अपने पोस्टर से, 2K20 गेम से, बहुत चीज़ों से रिमूव कर दिया था, 2K20 गेम के अंदर हाइड कर दिया था। तो सभी को यही लगा था कि WWE ब्रोक लेसनर को धीरे धीरे WWE से निकालना चाहती है, WWE से मिटाना चाहती है, इसलिए WWE ब्रोक लेसनर को धीरे धीरे WWE से रिमूव कर रही है। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट निकल कर आई कि ब्रोक लेसनर को WWE ने उन सुपरस्टार के साथ फीचर किया है जो कि WWE में एक्टिव सुपरस्टार है, लेकिन फिर एक रिपोर्ट ये निकल कर आई कि WWE ने ब्रोक लेसनर को वहाँ से रिमूव किया ही नहीं था। लेकिन अब रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है बैक स्टेज WWE में यह बातें चल रही है कि ब्रोक लेसनर का रिटर्न करवाया जाए, और ब्रोक लेसनर के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यह न्यूज़ दी है डेव मेंसन ने यह रिपोर्ट किया है कि ब्रोक लेसनर का रिटर्न हमें जल्दी ही WWE के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब ब्रोक लेसनर हमें कभी भी WWE के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बात करें ब्रोक लेसनर का रिटर्न हमें कब देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है WrestleMania होने में कुछ ही टाइम बच चुका है, WWE WrestleMania से पहले ब्रोक लेसनर को नहीं बुलवाएगी। ब्रोक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच WWE WrestleMania 40 के अंदर करवाना चाहती थी, लेकिन ये मैच हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन WrestleMania 40 के अंदर हमें द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वो अटैक करते हुए दिख सकते हैं हमें गुंथर के ऊपर, जिसकी वजह से गुंथर अपनी IC टाइटल हार सकते हैं, जिसके बाद ब्रोक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच नॉन टाइटल मैच समर स्लैम के लिए बुक हो जाएगा। बात करें ब्रोक लेसनर को अपने किस करेक्टर के साथ WWE के अंदर रिटर्न करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जब से ब्रोक लेसनर ने काबुआ वाले करेक्टर के साथ WWE के अंदर अपना रिटर्न किया था, WWE फैंस इस करेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। WWE को ब्रोक लेसनर का ओल्ड करेक्टर लेके आना चाहिए, द बीस्ट वाला करेक्टर जिसके अंदर ब्रोक लेसनर दोबारा से हील सुपरस्टार बन के आए। इस बार ब्रोक लेसनर को अपने हील करेक्टर के साथ बीस्ट इनकार्नेट वाले करेक्टर के साथ WWE के अंदर रिटर्न करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, ब्रोक लेसनर को किस करेक्टर के साथ WWE के तरह अपना रिटर्न करना चाहिए? दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना ब्रोक लेसनर के रिटर्न आने के बाद आप ब्रोक लेसनर की फर्स्ट फ्यूड किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो। दोस्तों चैनल पर जो भी नए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन कोड पर सेल जरूर कर देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।